नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ली हार की जिम्मेदारी, बोले जनता ने गवाया मौका। लक्सर में 30 वर्षीय युवक की गोली मार कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। रुद्रपुर में सिपाही पर पार्षद प्रतिनिधि ने लगाया कार चढ़ाने के प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में स्कॉर्पियो ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, पिता पुत्र की हुई मौत। रुद्रप्रयाग में एक दूसरे को बचाने की कोशिश में दोनों दोस्तों ने गवाई जान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और 70 में से मात्र 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि 2017 के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इस बार कांग्रेस ने 8 सीटें ज्यादा जीती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल खुद पौड़ी जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस की इस हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुद ली है। चुनाव परिणाम आने के बाद शनिवार को गणेश गोदियाल पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस को जो हार मिली है उसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो खुद लेते हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि कांग्रेस जनता को समझाने में नाकाम रही है। जिस तरह उनके शीर्ष नेतृत्व ने इस हार के लिए अपनी जिम्मेदारी ली है, उसी तरह वो भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस हार की जिम्मेदारी लेते हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि वो पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने धन बल के विरुद्ध इस चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया। जनता ने इस बार कांग्रेस की सरकार लाने का मौका खो दिया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जुटे रहेंगे और अगले 5 साल के लिए धरातल पर काम कर जनता का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं कि प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत ही बेहतर विकल्प था, एक सुनहरा मौका था, जो मौका हाथ से गया। हम मन, कर्म और वचन से बहुत ही ईमानदारी से जो ये पोस्टर आज भी हमारे कांग्रेस के कार्यालय में लगे हैं, जो हमारे संकल्प थे, हम बहुत ही मजबूत इरादों से और ईमानदारी से इन संकल्पों को पूरा करने का ठान कर आगे की लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हुए थे। हमने ये सपना देखा था कि हम उत्तराखंड के 4 लाख युवाओं को रोजगार देकर उनके आने वाली दिवाली को रोशन करेंगे। हमने ये सपना देखा था कि हम उन गरीब परिवारों को जो कि 200 रुपए किलो का तेल, खाद्य तेल नहीं खरीद पाते हैं, उनकी रसोई को रोशन करने के लिए हम 40,000 रुपए प्रतिवर्ष उन गरीब परिवारों को आर्थिक रूप में मदद करेंगे। हमने सपना देखा था कि हम गैस के सिलेंडर को 500 रुपए से आगे नहीं बढ़ने देंगे, और खास करके मैंने तो ये सपना देखा था कि मुझे एकमात्र जो अर्जुन के लक्ष्य की भांति मछली की आंख पर मेरा निशाना था कि मुझे बेरोजगारी को समाप्त करना है, मैंने ये सपना देखा था। लेकिन अफसोस है कि ये मौका अगले 5 साल के लिए, हमारा जो माइलस्टोन है वो अगले 5 साल आगे बढ़ गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शनिवार को अपने हरिद्वार स्थित आश्रम पहुंचे, जहां उनके शिष्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने भारतीय जनता पार्टी को जीत की शुभकामनाएं भी दी। राज्य में नए मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए ये पार्टी का अपना विषय है। उन्होंने कहा जब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो केवल उनकी हार मात्र से उन्हें रिजेक्ट करना सही नहीं होगा। उनके हार जाने का सीधा मतलब ये है कि उन्हें पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मेहनत की है, इसलिए वे अपनी विधानसभा पर ध्यान नहीं दे पाए। पुष्कर सिंह धामी ऊर्जावान युवा है, पार्टी को चाहिए कि उन्हें एक बार फिर मौका दे। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पूरे देश और राज्य का होता है तो वह किसी एक विशेष पार्टी का क्यों प्रचार करते हैं। किसी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पद की गरिमा होती है। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह धर्म पर हस्तक्षेप है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा क्या आप हिंदू को मजबूर कर पाएंगे कि वो मुसलमानों के साथ हनुमान चालीसा पढ़े, या फिर मुसलमानों को हिंदुओं के साथ नमाज पढ़ने की आप बात नहीं कर सकते, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग विजयी हुए हैं उनको शुभकामना देना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना चाहेंगे कि उन्होंने जनता के विश्वास को एक बार फिर जीता है।
मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए ये पार्टी का अपना विषय है, हम लोग उसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन एक जनता होने के नाते और आपके पूछने के नाते अगर विचार व्यक्त करना हो तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जब आपकी पार्टी जीत रही है तो केवल उनके विधानसभा क्षेत्र में केवल उनके हार जाने मात्र से उनको कैसे रिजेक्ट कर किया जा सकता है। उनके हार जाने का तो सीधा मतलब ये है कि वो पूरे प्रदेश में ध्यान दे रहे थे, अपने स्वयं की विधानसभा क्षेत्र में कम ध्यान दे रहे थे। जिस व्यक्ति ने अपनी परवाह नहीं की, अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रदेश भर में काम करता रहा, उस व्यक्ति को केवल अपने क्षेत्र में हार जाने मात्र से रिजेक्ट कर देना हमको तो ठीक नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि धामी जी अभी युवा हैं, ऊर्जावान हैं और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर फिर से आपको बहुमत मिला है, इसलिए धामी जी को ही मौका देना चाहिए। 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से फिर से लड़ करके वो सदन के सदस्य हो ही जाएंगे। रंगोली हाट के नव निर्वाचित विधायक पूर्व दर्जा मंत्री फकीर राम टमटा ने प्रदेश की कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंपने की बात कही है। विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने ही काम करने का मौका मिला। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश में चुनाव लड़ा, भारी प्रचंड के साथ प्रदेश में भाजपा जीती है। धामी को 5 साल कार्य मिलने का मौका और मिलना चाहिए। केंद्र में आदरणीय मोदी जी, प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो अल्प समय में तेज गति से जो विकास किया वो सराहनीय है और आगे भी उनको 5 साल का मौका और मिलना चाहिए। और आज पूरे प्रदेश में जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो हमें एक प्रचंड बहुमत की ओर हमको ले जाने वाले ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आगे उनका सम्मान भी हम करते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध से भारत की आम जनता पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। अब मकान बनाने के लिए आम जनता को मशक्कत करनी पड़ेगी। बाजार में कच्चे माल की कमी होने से सरिया और सीमेंट के दामों में उछाल आया है। 6,200 रुपए प्रति किलो बिकने वाला सरिया अब 8,300 रुपए किलो प्रति क्विंटल पहुंच गया है। वहीं सीमेंट की बोरी 380 रुपए से 400 रुपए पहुंच गई है। बिल्डरों और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद होने वाले कच्चे माल के आयात पर संकट है। उन्होंने बताया मौजूदा समय में घर के निर्माण की कीमत 30% से आसपास बढ़ चुकी है। बाजारों में स्टील और सरिया से लेकर लोहे की तमाम वस्तुएं महंगी हो गई है। इसका साफ असर आशियान और मकान बनाने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ के रूप में पड़ा है। देखिए, जब से यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत हुई है तब से बाजार उस समय करीब करीब आज से 15 से 20 दिन पहले 48 रुपये किलो था, आज 75 रुपये किलो हो गया है। मतलब आप ये समझ के चलो कि 30 से 35 रुपये किलो बढ़ गया है और मेटेरियल मिल भी नहीं रहा है, ख़रीदार भी नहीं है, ना कोई ख़रीदार है ना कोई मेटेरियल है। और लागत इतनी बढ़ चुकी है कि जो 50 रुपये किलो मेटेरियल था समझ लो डबल हो गया है। मतलब 10 लाख रुपये माल 20 लाख रुपये मारा है, आपका प्रॉफिट वही 50 पैसे का है। मतलब इतनी परेशानी हो पीछे मेटेरियल की भी, जो डिलीवरी नहीं है और डिलीवरी है अभी तो पहले पेमेंट है कि पहले आप पेमेंट दोगे तब माल मिलेगा। इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा? इसका सीधा असर तो मार्केट में बाजार में पड़ेगा ही। जो मकान बनाने वाला है वो तो बना ही नहीं रहा और जो हम दुकानदार हैं हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा खर्चा कैसे चले, जो हमारे खर्चे हैं जो लेबर के खर्चे हैं वो कैसे खर्चे चले, कोई काम धंधा ही नहीं, काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। कब तक के लिए जारी रहेगी मंदी? भैया अभी तो कुछ नहीं पता लेकिन टाइम लगेगा, मंदी में टाइम है अभी, ये बता रहे कम से कम 1 से 1.5 महीना और चलेगा। युद्ध रुक भी गया तो उसके बाद ही बड़ी दिक्कत आएगी युद्ध रुकने के बाद। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जैसे जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसके दौरान हमारे लोहे पे, सीमेंट पे और कंक्रीट पे बहुत असर पड़ा है। सभी मेटल महंगे हुए हैं, स्टील भी महंगा हुआ है, आयरन भी महंगा हुआ है और भवन निर्माण की तो लागत, आप अभी हम ये बात कर रहे थे भाई साहब आए हुए हैं कि लगभग 15 से 20% लागत बढ़ गई है इस समय। उसका असर जो हमने अपना सामान जिस रेट पर भेज दिया कस्टमर तो हमें देगा नहीं, उसका नुकसान तो बिल्डर को ही है, लेकिन कस्टमर के लिए भी दिक्कत का विषय है क्योंकि जो आगे माल बिकेगा वो महंगा बिकेगा तो कस्टमर इस समय परेशान है और इस समय मार्केट में मंदा है। जो थोड़ी सी तेज़ी आई थी पिछले 4-5 महीने में वो इस युद्ध से प्रभावित हो गया। सब सही हो जाएगी। अब देखिए, युद्ध अगर ख़त्म होता है जो दूसरे देशों से हमें कच्चा माल मिलता है वो कब तक उसमें रेट्स में गिरावट आएगी? अनिश्चित काल के लिए अभी तो मान के चलो रहेगा 2-4 महीने।
विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायक राजकुमार पोरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के विधानसभा क्षेत्र विकास कार्यों के रोड मैप को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पोरी ने कहा कि वह शपथ ग्रहण के बाद पौड़ी मुख्यालय के 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के प्रयास करेंगे। इसके साथ ही पिछले लंबे समय से निर्माणाधीन चल रहे मुख्य बस अड्डे के काम को जल्द पूरा करवाने के लिए काम भी करेंगे। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने मुझे अपना अमूल्य समय दिया है और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं यहां से जनप्रतिनिधि के रूप में जो जनता ने मुझे अपार स्नेह और समर्थन दिया है उसके बदौलत मैं विधानसभा यहां से विजय होकर जा रहा हूं और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अच्छे काम हो सकते हैं इस क्षेत्र के लिए उनको करने के लिए तत्पर रहूँगा। इसमें सबसे पहले मैं जैसे शपथ ग्रहण होगा विधानसभा का, उसके बाद मेरा अपना मनसा है कि मैं अधिकारियों के साथ में बैठक करके सबसे पहले यहाँ जो 5 किलोमीटर के दायरे में हमारे नगर क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर जितनी सड़कें हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करूँगा, उनको गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करूँगा और साथ ही जो यहाँ पर बरसों से बस अड्डा जो अपनी जो है अच्छी स्थिति में नहीं है उसको ठीक करने का बहुत बहुत प्रयास करूँगा और इसमें मैं आप सभी लोगों का भी सहयोग चाहूँगा कि आप मुझे समय समय पर अपना मार्गदर्शन करते रहेंगे मुझे और मैं उसके अनुरूप जो है इस क्षेत्र के लिए इस नगर के लिए जितनी भी अच्छी योजनाएं हैं उनको कर सकूंगा। पूर्व विधायक शीला रानी रावत वैसे तो जब से राजनीति में आई तब से एक संघर्षशील नेत्री के तौर पर ही नजर आती रही, जहां जरूरत पड़े क्षेत्र के लिए लड़ झगड़ने के लिए भी तैयार रही। जो पहली बार 2012 में केदारनाथ सीट से विधायक रही तो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जहां क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं किया, लेकिन 2017 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके तुरंत बाद उनका स्वास्थ्य में गिरावट आ गई और कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन इस बीमारी को उन्होंने हरा दिया। ये जज्बा उनका इस विधानसभा चुनाव में भी काम आया। उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त के बाद भी भाजपा दोबारा उन पर विश्वास किया और मैदान में उतार दिया। शीला रानी रावत ने सबसे पहले संगठन के हर बड़े से बड़े कार्यकर्ता के भीतर विश्वास पैदा करा, बस यही सफलता उनके लिए कारगर साबित होने लगी। फिर क्या, चुनाव मैदान में बड़े से बड़े प्रतिद्वंदी भी चारों खाने चित हो गए और बड़े अंतर से शीला रानी रावत ने भी जीत हासिल कर ली। विकासनगर में कल रोटरी दून विकास और इनर व्हील विकास क्लब द्वारा महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब से जुड़े लोगों के साथ विकासनगर के व्यापारिक वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। वहीं दूसरी ओर इस रक्तदान शिविर में कुछ समाज सेवियों और पत्रकारों ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर 20 से अधिक बार रक्तदान कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप पोत्रा ने बताया कि वो जनहित में अब तक 20 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि हम एक बार रक्तदान करके 3 जिंदगियों को बचा सकते हैं, जिसको देखते हुए सभी को रक्तदान करना चाहिए। सबसे ज़्यादा बार हम जहाँ ये जितने लोग खड़े हैं उनमें से कह सकते हैं, बाकी और लोगों ने बहुत ज़्यादा डोनेशन किया होगा। मैंने अपनी लाइफ में 20+ डोनेशन किए हैं और संदेश यही है कि एक डोनेशन से 3 जानें बचती हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर डोनेशन करना चाहिए। मैं सभी के लिए मैसेज देता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो डोनेशन करें। ब्लड डोनेशन आप एक सोशल कॉज है। रोटरी क्लब समय समय पर बहुत तरीके के मेडिकल कैंप्स भी लगाता है। हमारा सामूहिक विवाह उत्सव कार्यक्रम भी है जिसमें नीडी बच्चों की शादियां हम लोग करवाते हैं, पूरे समाज उसमें हमारा साथ होता है और बहुत सारे कैंप। रोटरी दून विकास विकासनगर का करीब 20 साल से ज़्यादा से ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और हर साल हम कम से कम 2 से 3 कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आज यहाँ प्रेम प्लाजा में विकासनगर में कैंप ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जब इतनी महामारी है, हॉस्पिटल्स में कमी हो जाती है ब्लड की, कुछ होती है, तो हम अगर यहाँ से कुछ भी एकत्र करके इंद्रेश में या आईएमए में दे पाते हैं तो वहाँ ज़रूरत के टाइम पे मरीज़ों को मिल सके। ये मेन पर्पस रोटरी का है। तो लगभग कितना हर कैंप में कितना डोनेशन होगा? 50 से ज़्यादा तो होता ही है। एक बार 125 यूनिट भी पहुँचा था हमारे पास, 2-3 बार ऐसा हुआ, 100+ भी क्रॉस करा है और आज भी अभी तक अभी 2-2.5 घंटे ही हुए हैं लेकिन 50 तो अभी तक भी हो चुका है हमारा। अल्मोड़ा जिले की रानीखेत सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था,
लेकिन इस बार भाजपा प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल ने इस मिथक को तोड़ दिया है और वो जीत गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भतरौज खान से रानीखेत तक भारी संख्या में विजय जुलूस निकाला। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल ने रानीखेत की जनता का आभार भी व्यक्त किया। लक्सर में 30 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र के हबीबपुर कुड़ी गांव का रहने वाला 30 वर्षीय आनंद हाल ही में लक्सर के केशव नगर मोहल्ले में रह रहा था। 11 मार्च की शाम से आनंद अपने घर से बाजार जाने के लिए निकला था, उसके बाद से वो घर वापस नहीं आया। कल किसी ने आनंद को गंभीर घायल अवस्था में केड़ा गांव के पास पड़ा देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आनंद को तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल जाने से पहले ही रास्ते में आनंद ने दम तोड़ दिया। मृतक आनंद के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लक्सर COB एस चौहान ने बताया कि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जो भी इस घटना में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी में जो है शुगर मिल के पास थे, एक किराए में रहता था, एक आनंद सनफ रोड़ा हबीबपुर कुड़ी रह का रहने वाला है मैं मूल रूप से। यहाँ पे जो है कल शाम से ये घर से गायब बताया था। सुबह जो है केड़ा गांव के पास जो है एक खाली यूकेलिप्टिस के खेत में इसका जो है इंजर्ड होने की सूचना मिली थी, जिसे 108 द्वारा जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया और वहाँ से जो है रुड़की रेफर हो गया है। और उनके परिजन का कहना है कि इसके जो है किसने गोली मार दी और उसके साथ वालों की जो है तलाश की जा रही है, जो कल उसे घर से लेके गया। हंस फाउंडेशन द्वारा गैरसैंण ब्लॉक के भड़ेट गांव में निशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। शिविर में 106 लोगों ने आंखों की जांच करवाई, जिसमें से 19 लोगों का ऑपरेशन सतपुली में करवाया गया। इस मौके पर डॉक्टर रोहित चौधरी और डॉक्टर विवेक भंडारी, नीरज कुमार और ग्राम प्रधान पुन गांव रेवत नेगी, ग्राम प्रधान बहेड़ आरती देवी आदि लोग मौजूद रहे। डोईवाला के मुनाजरी में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी के द्वारा आयोजित गढ़वाल राइजर्स कॉस्को टूर्नामेंट में टीमों ने प्रतिभाग किया। इसका उद्घाटन करने पहुंचे गढ़वाली लोक गायक गजेंद्र राणा और रोहित चौहान ने कहा कि इस तरह की टूर्नामेंट बच्चों को नशे से दूर रखने के साथ ही उनकी खेल प्रतिभाओं को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसे टूर्नामेंट हर ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए, ताकि जो हमारी ग्रामीण की जो प्रतिभाएं हैं वो बहुत उभर के आए। और मैं स्पेशली बहुत क्रिकेट लवर हूं, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और आगे भी भविष्य में ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते रहें, ताकि हम भी उसमें अपनी शिरकत करें। जी, यही चाहता हूँ कि जो है नए बच्चे हमारे जो जितने भी साथी हैं जो है अपनी जो है ये जो हमारी पुरानी धरोहर है इनको जो है साथ में लेकर चलना है। और जो है इससे क्या होगा, क्योंकि जो है हम जो है दिन भर बिजी रहेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबका जो है फिजिकल फिटनेस जो है बहुत अच्छा रहेगा खेलने से, आप सभी को पता है, क्योंकि बाहर की कंट्री में तकरीबन जो सभी लोग जो है फिजिकल फिटनेस की तरफ जो है ध्यान देते हैं, उनका जो है डेली रूटीन में जो है फिजिकल को जो है सही रखना है। तो इसी प्रकार से जो हमारा जो है एक माध्यम है कि जो है खेल ही जो है, क्योंकि जो है हिंदुस्तान में जो है बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है सबका, खेल के माध्यम से जो हम अपने फिजिकल को बिल्कुल जब जो है आप लोगों का सहयोग है, जब जितनी बार आप मीडिया कवरेज देते हैं हमें, हमारी जो आवाज़ है, हमारा काम लोगों तक पहुंचता है और लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारा निरंतर उद्देश्य ये है कि बच्चों को नशे की तरफ से दूर रखना है और फिजिकल फिटनेस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट अकेडमी के द्वारा एक ये जो अभी यहाँ पर नया ग्राउंड बनाया है माजरी ग्रांट में, और हम लोग ये अकेडमी अभी 3 साल से भानेवाला में चल रही है, तो आप सभी के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे नशे से दूर रहें और मोबाइल और इंटरनेट इन सभी का कम से कम यूज़ करें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी, उत्तराखंड।